नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से, जहां समाज कल्याण अधिकारी से सामूहिक विवाह को लेकर खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ शाहिद सईद ने। आइए डालते हैं खास बातचीत पर नज़र उत्तर प्रदेश बहराइच पर, जहां समाज कल्याण अधिकारी से उन्होंने पूछा कि सामूहिक विवाह का किस तरह से आयोजित किया जाता है उनके विभाग के द्वारा। आइए डालते हैं रिपोर्ट पर नज़र। ये जानकारी चाहते हैं सर आपसे कि आपका शुभ नाम क्या है और आप क्या जो सामूहिक शादियां होती हैं इसमें लड़कियों को क्या मिलता है, कितना पैसा मिलता है, इस जीवों में क्या लिखा है, कितना पैसा है और कितना उनके शादी में खर्च होता है। तो सभी जितने लोग होते हैं इसमें 100-200 आदमी की शादी होती है तो सबसे एक ही पैसा लिया जाता है, यानी एक टेंट का जितने आदमी हैं 100 आदमी 50 आदमी जो होते हैं एक टेंट का सभी लोगों से लिया जाता है या एक ही आदमी से लिया जाता है, एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़, दूसरा सवाल ये है कि इनके खाते के अंदर 35,000 सुना है कि दिया जाता है तो, और उसके जो खाने का कुछ कटता है पैसा तो खाने में पुलिस अधिकारी प्रशासन के लोग खाते हैं तो वो आया है गरीब के लिए तो उसको उनको खाने के लिए और लोगों को क्यों दिया जाता है, वो टोटल पैसा क्यों नहीं उनको दे दिया जाता है। बहुत ही आपका प्रश्न जो है अच्छा है। पहले तो मैं अपना परिचय दे रहा हूँ, मैं राजेंद्र प्रताप सिंह जिला समाज कल्याण अधिकारी बहराइच हूँ। जैसा कि आपने चाहा है जानकारी कि सामूहिक शादी माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष महत्वाकांक्षी योजना में एक योजना है और मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य या वर्तमान सरकार का उद्देश्य ये था कि कोई भी गरीब कन्या पैसे के अभाव में शादी के कार्यक्रम से वंचित न रहे। इसी क्रम में सर्वजाति सभी धर्मों के लोगों के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक शादी विवाह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्तमान समय में शासन से जो अनुमन्य दरें हैं सामूहिक शादी के लिए उसमें कुल 51,000 रुपया सरकार दे रही है, जिसमें 35,000 रुपया कन्या के खाते में जाएगा, 6,000 रुपया घराती और बरातियों की सेवा के लिए, खान पान के लिए है, भोजन पंडाल के लिए है, संपूर्ण वैवाहिक कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए 6,000 रुपया प्रति जोड़ों के हिसाब से सरकार दे रही है, 10,000 रुपये की उपहार की सामग्री है जो कन्या को प्राप्त होती है। इस प्रकार कुल मिला के 51,000 रुपया मिलता है। ये खाने के लिए जो 6,000 रुपये कटता है किस चीज़ के लिए, क्या काहे में खर्च इतना ज़्यादा होता है? हाँ, खाने में 6,000 प्रति जोड़े में है कि 10-10 का है, 10-10 का मानक सरकार ने रखा था कि 10 घराती और 10 बराती कुल 20 लोगों के लिए।